बॉलीवुड नजर टॉप 10 में आज हम बात करेंगे सफेद चादर पहने शाहरुख खान की वायरल फोटो के बारे में। बताएंगे आपको नोरा फतेही की उस गलती के बारे में जिससे लोग भड़क उठे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में दृश्यम 2 और भेड़िया में कौन सी फिल्म निकली आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड नजर टॉप 10 शो। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने हाल ही में मक्का पहुंचकर उमराह किया, जहां से शाहरुख की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मक्का में शाहरुख को सफेद चादर ओढ़े साधारण अवतार में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और हर जगह शाहरुख की तारीफ हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में परफॉर्म करने का मौका मिला, जहां उन्होंने तिरंगे को लहराते हुए जय हिंद के नारे भी लगाए। लेकिन फेस्टिवल के वीडियोस वायरल होते ही कुछ लोगों का मानना है कि गलत तरीके से पकड़कर नोरा ने इंडियन फ्लैग का अपमान किया है। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रोहित शेट्टी डायरेक्टेड इस फिल्म में रणवीर के साथ पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण शर्मा और संजय मिश्रा समेत अनेक एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म में रणवीर ने डबल रोल प्ले किया है और कॉमेडी से भरपूर इस ट्रेलर को पसंद किया जा रहा है काफी ज्यादा। सर्कस के ट्रेलर के आखिरी 20 सेकंड में ऑडियंस को बड़ा सरप्राइज दिया गया है। जी हाँ, ट्रेलर के एंड में रणवीर फिल्म के करंट लगा रे सॉन्ग पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनके साथ उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण भी कैमियो में है और साथ ही साथ डांस करते हुए दोनों काफी प्यारे दिख रहे हैं। हाल ही में शाहरुख ने साउथ अरब में रेड सी फेस्टिवल अटेंड किया और एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी एक्शन फिल्म नहीं की है, मैंने बहुत प्योर लव स्टोरीज की हैं और मैंने कुछ एक्शन ड्रामा भी किए हैं, मैंने कुछ नेगेटिव रोल भी किए, लेकिन एक्शन के लिए मुझे कोई नहीं लेना चाहता था। मैं 57 साल का हूं और मुझे लगा कि अगले कुछ साल मुझे एक्शन फिल्में करनी चाहिए, मुझे मिशन इम्पॉसिबल टाइप की फिल्में करनी है। अजय देवगन की दृश्यम 2 ने गुरुवार को 4,31,00,000 रुपए का कलेक्शन करके रिलीज के सिर्फ 2 हफ्तों में ही टोटल 163 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में वरुण धवन की फिल्म पहले ही हफ्ते दृश्यम 2 से पीछे रह गई। जी हां, फिल्म ने गुरुवार को 3 करोड़ का कलेक्शन किया, जो दृश्यम 2 से 1,31,00,000 रुपए कम है और इसी के साथ ही भेड़िया का 1 वीक टोटल कलेक्शन 42 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दोस्तों, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, रिपोर्टर्स के मुताबिक अजय देवगन रोहित शेट्टी के साथ अपनी फिल्म सिंघम अगेन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और भोला का शूट खत्म करते ही अजय सिंघम अगेन की शूटिंग करेंगे। आज आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत की फिल्म एन एक्शन हीरो रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आ रही है और IMDb में फिल्म को 9 out of 10 स्टार्स की रेटिंग मिली हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को इंडिया, स्पेन, UAE, टर्की, रशिया, इटली, फ्रांस, साइबेरिया और अफगानिस्तान जैसे कुल 8 देशों में शूट किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड नजर को।